नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक मोटो ई फोर प्लस मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, 100 400 नहीं हो रहा है मोबाइल है, और फुल चार्ज वाला बैटरी डाले तो एक 15 मिनट्स ऑफ एन वाले में फुल चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। दोस्तों मोबाइल तो ऑन हो रहा है, लेकिन चार्ज लगाने पर मोबाइल चार्ज तो नहीं हो रहा है बैटरी, और फुल चार्ज वाला बैटरी लगाने से हाफ एन आवर में हमारा चार्ज पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। दोस्तों यह है मेन इसका प्रॉब्लम, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, पहले हमारा इसमें कौन सा प्रॉब्लम है चेक कर देना है, इसलिए हमारा कूल टेस्ट में चेक कर देंगे। दोस्तों पहला हमारा प्राइमरी में शार्टेज या नहीं है, और सेकेंडरी में शार्टेज या नहीं हैगी, हम वो चेक करने के लिए मीटर को बजे में रखना होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं हमारा मीटर को बजे मोड़े रख देता है। ओके देखिए दोस्तों, मीटर को बजे मोड़े रख दिया है। रखने के बाद हमारा मोबाइल को प्राइमरी चेक कर देता है मैं। हमारा प्राइमरी क्या होता है बोलता, हमारा बैटरी का वी बैट पॉइंट को प्राइमरी बोलते हैं। दोस्तों ये प्राइमरी सेक्शन होता है, इसलिए हमारा प्राइमरी सेक्शन को चेक करने के लिए क्या करना है बोलता, हमारा ब्लैक बॉडी पर लगाना है, सप्लाई चेक कर देना। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारा वी बैट पॉइंट होता है 450 रीडिंग दिखा रहा है। दोस्तों सेम वही तरीके में अपोजिट भी चेक कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, अपोजिट सेकंड पे कुछ भी रीडिंग तो नहीं देखा, उसका मतलब है हमारा प्राइमरी शॉर्टेज तो नहीं है। दोस्तों सेम वही तरीके में हमारा सेकंड वे भी चेक कर देंगे, सेकंड वे में कुछ तो शॉर्टेज हो सकता है ना, इसलिए हम सेकंड वे भी चेक कर देंगे। दोस्तों ओके देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड वे कौन सा होता है को बोलता, हमारा नेटवर्क सेक्शन का इसी है। कैपेसिटर देखिए दोस्तों, इसका पास हम चेक करने से हमको सेकंड वे में शॉर्टेज है कि नहीं है हमको समझ में आ जाएगा, वो मालूम हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा पीएफओ है ना नेटवर्क आईसी, इसका कैपेसिटर पर हम चेक कर देना है, चेक करने से हमको शॉर्टेज है कि नहीं वो हमको मालूम हो जाएगा। अब वो मैं चेक कर जाता है, देखिए दोस्तों इसको भी सेम हम हमारा रेड पर बॉडी पर लगाना है, ब्लैक पर हम चेक कर देना है। देखिए दोस्तों हम रेड पर बॉडी पर लगा दिया है, ब्लैक पर से मैं हमारा कैपेसिटर पर चेक कर जाता है। देखिए दोस्तों, 418 रीडिंग, उसका मतलब है वन साइड रीडिंग दिखा रहा है 418 बराबर से, सेम वही तरीके में दूसरा साइड हम चेक कर देंगे अपोजिट भी, जब हमारा ब्लैक पर बॉडी पर लगाना है रेड पर हम चेक कर जाना है। देखिए दोस्तों, इधर शायद तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारा मीटर में बैटरी ब्लिंक हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है हमारा सेकंड में शॉर्टेज नहीं है। दोस्तों अब हम इसका बाद में हम चार्जर लगा के हमारा हॉट टेस्ट में चेक करना होगा, चार्जर इंसर्ट करके हमारा वी बैट पॉइंट पर कितना वोल्टेज आएगी हम वो चेक कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैं चार्जर इंसर्ट कर जाता है, चार्जर इंसर्ट करके हमारा डीसी 20 रेंज में रखने के बाद मीटर को चेक कर देना है। ओके देखिए दोस्तों, हम डीसी 20 रेंज में रख दिया, रखने के बाद हमारा ब्लैक पर बॉडी पर लगाना है, रेड पर से हमारा वी बैट सप्लाई चेक कर देना है। देखो दोस्तों, हमको सप्लाई तो नहीं दिखा रहा, इसका वी बैट पर सप्लाई तो नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारा वी बैट पॉइंट होता है, इस पर सप्लाई तो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है हमारा चार्जिंग एसी सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों अब हम बैटरी लगा के एक बार चेक करेंगे, कूल टेस्ट में चेक करने पर हमको शॉर्टेज तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमको चार्जर लगाने पर सप्लाई तो नहीं आ रहा है चार्जर ऐसी से आउटपुट वोल्टेज। ओके देखो दोस्तों, चार्जर से वोल्टेज तो नहीं आ रहा है हमारा चार्जिंग तो नहीं हो रहा है। अब हम चेक करेंगे हमारा डीसी पावर सप्लाई देकर हम सप्लाई कितना रहेगी, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहेगी हमको, इसलिए हम क्या करना है वो बोलता, हमारा मीटर को डीसी 20 में रख देना है। रखने के बाद मेरे पास एक शॉर्ट किलर प्रो है, उसी से मैं चेक कर जाता है।
उसलिए हम चेक करने के लिए हमारा ब्लैक पॉप को बॉडी पर लगाना है, रेड पॉप को फेस पॉइंट पर लगा देना है, ब्लैक पॉप को न्यूट्रल को लगा देना है और रेड पॉप को हम फेस पर लगा देना है। ओके ठीक है दोस्तों, हम 397 सप्लाई तो आ रहा है अब हमारा शर्ट कलर पॉप से। अब ये सप्लाई हमारा वी बैट पर लगा कर चेक करेंगे, चेक करने से हमको मालूम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ग्राउंड को ग्राउंड पर लगा दिया है, हमारा फेस वोल्टेज को वी बैट पर लगा दिया है। देखिए दोस्तों, 3.85 सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है 0.1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 0.1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इसमें, इसका मतलब है हमारा एसी में शॉर्टेज है दोस्तों। हमारा इधर ऐसा लगाने से हॉट टेस्ट में शॉर्टेज दिखा रहा है, ये कूल टेस्ट में तो शॉर्टेज नहीं है दोस्तों, लेकिन हॉट टेस्ट पर शॉर्टेज दिखा रहा है, हमको वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। ओके अब ठीक है, फिर से मैं शॉर्ट कलर में भी आपको बता दूंगा हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना एम्प ले रहा है कि, इसलिए हम ट्वीजर को लगा दूंगा, मैं ट्वीजर को लगा के आपको मैं बता दूंगा हमारे शॉर्ट के लपो में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि। हम देखिए दोस्तों, मैं ये सप्लाई वी बैट पर लगाने के बाद और शॉर्ट के लपो में कितना वोल्टेज कितना एम्प ले रहा है, देखिए 6.4 ले रहा है, इसका मतलब है शॉर्टेज है दोस्तों, ओपन करने से 4 ले रहा है और लगाने पर 6.6 ले रहा है, इसका मतलब है 0.2 एम्प्स 0.20 एम्प्स ये लोड ले रहा है दोस्तों, इसका मतलब है हमारा चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारा चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा फुल टेस्ट में शॉर्टेज तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हॉट टेस्ट में कूलिंग दिखा रहा है, शॉर्टेज दिखा रहा है दोस्तों। अभी हमारा चार्जिंग एसी कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा जूम करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग एसी होता है, हमारा चार्जर से बी बस वोल्टेज ही इधर ये पॉइंट का जाता है, ये पॉइंट से लेकर हमारे आईसी में इधर साइड निकल जाता है, इसी से लेकर आउटपुट वी बैट को हम चार्जिंग होने के लिए बैटरी का वोल्टेज इधर आ जाता है, ये पॉइंट से हमको वी बैट का वोल्टेज निकल जाता है। अब हमको वी बैट का वोल्टेज देने से इधर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है हमारा ये आईसी में शॉर्टेज है दोस्तों, आईसी में शॉर्टेज होने की वजह से हमको कूल टेस्टिंग में शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन हॉट टेस्ट में चेक करने पर हमको शॉर्टेज वोल्टेज और ड्रॉप हो रहा है, और फुल चार्ज वाला बैटरी डालने पर 15 मिनट्स में हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है दोस्तों। इसलिए अब हम आईसी को रिमूव करके फिर से चेक करके आपको बता दूंगा, उसके बाद हमारा आईसी चेंज कर दूंगा दोस्तों। मैं ये हमारा चार्जिंग इसको रिमूव करने के लिए इस पर सिल्वर टेप लगा देता है, उससे पहले हम हमारा कैमरा से सब कुछ रिमूव करके साइड रख देना है, नहीं तो हीट को हमारे कैमरा से डैमेज हो जाती है दोस्तों, इसलिए हम पहले हमारा कैमरा को रिमूव करके साइड रख देंगे। रखने के बाद हमारा सिल्वर टेप होता है, सिल्वर टेप को रिमूव करके एसी पर लगा देना दोस्तों, लगाने से हमारा एसी कुछ भी डैमेज नहीं होगा। सिल्वर टेप को लगाने से हमको ये एसी को डैमेज नहीं करेगा दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, हमारा एसी सब कुछ बराबर है, डैमेज तो नहीं होंगे ऐसा लगाने से। इसके बाद में हमारा एसी को रिमूव कर देंगे हम, पहले इसको पोलैरिटी हम देखना पड़ेगा दोस्तों, इधर हमको डार्ट देख रहे थे दोस्तों, ये डार्ट सीट हम एसी रिमूव करके और एक नया एसी डालना पड़ेगा, तो पहले हमारा डार्ट के दर पर रहेगी वो हम चेक करना होगा दोस्तों। ठीक है, उधर साइड डार्ट तो दिख रहा है मुझे, सेम उधर साइड डालना होगा। इसका चार्जिंग एसी का नंबर है BQ24259 है दोस्तों, सेम वही नंबर का एसी डालना पड़ेगा इसमें। अब मैं एसी को रिमूव कर देता है, उससे पहला हम हमारा पेस्ट को थोड़ा अप्लाई कर देंगे इस पर,
पेस्ट हुआ हो थोड़ा अप्लाई करके हमारा इसी को रिमूव कर देंगे। ओके देखिए दोस्तों, इसी को मैं रिमूव कर दिया है वो। अब फिर से एक बार हम कोल्ड टेस्ट या हार्ड टेस्ट में चेक करके इसी चेंज कर देंगे। देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता है एक बार हार्ट टेस्ट में, इसलिए फिर से हमारा मीटर को डीसी कंट्रोल में रख देता है। रखने के बाद हमारा डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज आपको बता देता है, पहला लगा देता है मैं। हमारा न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल को लगा देना है, फेस पॉइंट फेस को लगा देना है, बेड पॉइंट फेस को लगा देना है। 395 सप्लाई दिखा रहा है दोस्तों अब। उसके बाद में हमारा बॉडी पर देखिए, हमारा बॉडी पर न्यूट्रल लगा देना है, हमारा फेस पर अब वी बैट पर लगा देना है। ओके देखिए दोस्तों, बॉडी पर न्यूट्रल लगा दिया, अब वी बैट पर फेस वोल्टेज लगा जाता है। देखिए दोस्तों, 1 पॉइंट भी वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुआ है दोस्तों, 0.1 भी। इसका मतलब है हमारा चार्जिंग ऐसी शॉर्टेज हुआ है दोस्तों, इसलिए वो मोबाइल तो ऑन हो रहा है लेकिन ये हमारा चार्जिंग ऐसी शॉर्टेज होने की वजह से चार्ज तो नहीं हो रहा है। और चार्जिंग बैटरी फुल चार्ज वाला बैटरी डालने पर हाफ एन आवर में डिस्चार्ज हो रहा है। ओके देखिए दोस्तों, हमारा शॉर्टेज तो एसी में है, इसलिए अब हम सेम वही एसी और एक नया डालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा एसी होता है, इसका प्लेस में मैं और एक कोई कूलेंट एसी लगा के आपको बता दूंगा। 24295 है दोस्तों ए सी, इसमें वाला एसी। अब मेरे पास और एक बोर्ड में से रिमूव कर दिया है, टू फोर 296 है दोस्तों मेरे पास ये एसी। ये लगा के मैं आपको बता दूंगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं है। कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है लेकिन नहीं है तो सेम एसी डालने से अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों। इसलिए पहला मई मेरे पास ये एसी अवेलेबल है, इसलिए मैं एसी को लगा के आपको बता दूंगा। दोस्तों उससे पहला हम क्या करना, एसी को डैमेज नहीं होने देना, इसलिए हम सिल्वर टेप को जो कंपलसरी सीपीयू और एमएमसी का साइड में रहे तो लगा देना है दोस्तों कंपलसरी से, नहीं तो ब्लोअर का हिट को सीपीयू और एमएमसी डैमेज हो सकते हैं, इसलिए कुछ भी डैमेज नहीं होना। इसलिए पहला हमारा सेफ्टी के लिए हिट से सिल्वर टेप लगा देना है इसमें। ओके देखो, सिल्वर टेप लगा दिया है। लगाने के बाद अब ये आईसी है मेरे पास, ये आईसी लगा के आपको मैं बता दूंगा दोस्तों। अब थोड़ा हम पेस्ट ले लेंगे, पेस्ट लेकर इस पर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम ब्लोअर को हीट 300 पर रख के, ये को 0 पर रख के लगा देंगे एसी को।
ओके ठीक है दोस्तों, हमारा आईसी परफेक्ट से लग गया है। अब वो ये बोर्ड थोड़ा खुलने के बाद फिर से मैं मोबाइल को चेक करके आपको चार्जिंग लगा के बता दूंगा दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व होता कि नहीं है कि। ओके अब देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल बोर्ड कूल हो गया है। अब मैं फिर से हमारा स्लो टेप रिमूव करके हमारा मोबाइल बोर्ड को हमारा मोबाइल में फिट करके सप्लाई आ रहा है नहीं वो चेक करके आपको बता दूंगा। ओके ठीक है दोस्तों, हमारा मोबाइल बोर्ड को मैं फिट अप कर दिया है। अब फिट अप करके फिर से चार्जर इंसर्ट करके बता दूंगा आपको मैं। अब हम सप्लाई आ रहा है वी बैट पर, हम सप्लाई चेक करने के लिए मीटर को डीसी कनेक्शन में रख देना है। रखने के बाद हमारा चार्जर इंसर्ट कर देना है। ओके ठीक है दोस्तों, अब मैं चार्जर इंसर्ट करके हमारा सप्लाई आ रहा है नहीं वो चेक करके आपको बता दूंगा। ओके देखिए दोस्तों, चार्जर इंसर्ट कर दिया है। करने के बाद देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमको वोल्टेज मिल रहा है हमारा मोबाइल बोर्ड को चार्जिंग होने के लिए। 4 वोल्टेज सप्लाई तो आ रहा है। देखिए दोस्तों, फिर से आपको बार-बार मैं बता दूंगा। ओके देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारे मोबाइल को सप्लाई तो मिल रहा है दोस्तों। अब मैं बैटरी लगा के आपको बता दूंगा। ओके अब देखिए दोस्तों, बैटरी में लगा जाता है। ओके देखिए दोस्तों, बैटरी में कितना वोल्टेज है कि वो मैं आपको बता दूंगा। 3.47 है दोस्तों वो वोल्टेज इसमें। अब चार्ज लगाने के बाद हमको 1 और 2 वोल्ट बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, चार्जर इंसर्ट कर दिया है। हमारा चार्जिंग इंडिकेशन दिखने के बाद हमको वोल्टेज तो बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब चार्जिंग इंडिकेशन ओके, चार्जिंग होना शुरू हो गया है। 1 पॉइंट दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमारा वोल्टेज कहता है कि तो 3.50 आ गया है दोस्तों। इसका मतलब है हमारा मोबाइल बोर्ड चार्ज हो गया, चार्जिंग होना शुरू हो गया दोस्तों। 3.5 भी आ गया है। इसका मतलब है 0.5 वोल्ट हमको पावर से आ रहा है, इसलिए हमारा बैटरी तो चार्ज हो जाएगा। ये तरीके से हम हमारा मोबाइल बोर्ड में चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, कि मोबाइल बोर्ड चार्ज सेक्शन बराबर है कि नहीं, कि हम चेक कर देना दोस्तों। चेक करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। ओके देखिए दोस्तों, 1% चार्ज भी हो गया हमारा मोबाइल है। ये तरीके से हम कौन सा भी मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है दोस्तों। ऐसा टेक्निकल वीडियोस पर, लेटेस्ट वीडियोस पर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।